हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर चलता जी मैटर अराउंड स्क्वायर। और ये अज पढ़ा जी कंपोनेंट्स ऑफ ए क्लोडल सोल्यूशन। जिहड़ा क्लोडल सोल्यूशन है उहदे किहड़े कंपोनेंट होंदे आ जी? देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ क्लोडल सोल्यूशन। जिहड़ा क्लोडल सोल्यूशन है उहदे टू कंपोनेंट्स होंदे आ, किहड़े किहड़े होंदे आ जी? फर्स्ट वन डिस्पर्स्ड फेस और जिहड़ा सैकंड वन है डिस्पर्स्ड मीडियम। देखो जी इन्हां नूं आपां थोड़ा एलैबोरेट करदे आ, थोड़ा समझदे आ। सब तो पहले इन्हू समझने वास्ते की है जी, इस तो पहला ही जिहड़ा ही पुराना पढ़ के आए बारे मैं तुम थोड़ा जिहा दसदा वा कि साडे कोल एक सोल्यूट है और उहनू अहीं सॉल्वेंट दे विच मिलाउणे आ और दोनों नू मिलके की बन जांदा, साडे कोल सोल्यूशन बन जांदा वा। देखो जिहड़ा सोल्यूट आ, सोल्यूट दी लैस क्वांटिटी हुंदी आ, इहदी लैस क्वांटिटी हुंदी आ जी, अहीं पिछे चीज़ पढ़दे आ। और जिहड़ा सॉल्वेंट आ इहदी मैक्सीमम क्वांटिटी हुंदी आ। ठीक है जी, जिहड़ा सोल्यूट आ सोल्यूट की लैसर क्वांटिटी हुंदी आ और जिहड़ा सॉल्वेंट आ उहदी मैक्सीमम क्वांटिटी हुंदी आ, और इहनां दोनों नूं मिलके की बन जांदा सोल्यूशन बन जांदा। सो इह साडा पुराना टॉपिक है। सो वेखो जी हुण जिहड़ा डिस्पर्स्ड फेस आ उहनूं की बोलदे आ? जिहड़ा डिस्पर्स्ड फेस आ उहनूं अहीं सोल्यूट लाइक कंपोनेंट भी बोलदे आ। इहदे बिना नाल कंपोनेंट रहिआ नहीं गा, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट भी बोलदे आ, और इहनूं अहीं शॉर्ट फॉर्म दे विच डीपी भी लिख सकदे आ। सो इहदी आपां डेफिनेशन पढ़दे आ। डेफिनेशन की लिखा हुआ, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ क्लोडल सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस। देखो जी जिदा साडे अहीं सोल्यूशन बनाउणे आ, सोल्यूशन दे विच अहीं सोल्यूट यूज करदे आ ना जी, उदां जिहड़ा डिस्पर्स्ड फेस आ उह वी की हुंदा जी? इक सोल्यूट ही हुंदा। जिहड़ा डिस्पर्स्ड फेस आ उह वी इक सोल्यूट ही हुंदा, उह वी इक क्लाइड सोल्यूशन दे विच जां क्लोडियल सोल्यूशन दे विच इक सोल्यूट ही हुंदा, और सोल्यूट लाइक ही बिहेव करदा वा। इस करके जिहड़ा इह सोल्यूट लाइक कंपोनेंट बिहेव करदा वा, जिहड़ा क्लोडियल सोल्यूशन दे विच सोल्यूट जिहड़ा क्लोडियल सोल्यूशन दे विच सोल्यूट लाइक कंपोनेंट बिहेव करदा वा, उहनूं की बोलदे आ जी? डिस्पर्स्ड फेस बोलदे आ। मीन साडे कोल कोई भी क्लोडियल सोल्यूशन आ उहदे विच सोल्यूट लाइक कंपोनेंट आ, उहनूं की बोलदे ने? डिस्पर्स्ड फेस बोलदे ने। मीन्स जिहड़ा तुहाडा डिस्पर्स्ड फेस आ, जिहड़ा तुहाडा डिस्पर्स्ड फेस आ उह की हुंदा जी? सोल्यूट ही हुंदा, उहनूं अहीं कह सकदे आ डिस्पर्स्ड फेस। जिहड़ा तुहाडा सोल्यूट आ क्योंकि इहदी लैसर क्वांटिटी हुंदी आ, और जिहड़ा इह सोल्यूट आ इहनूं अहीं डिस्पर्स्ड फेस भी बोल सकदे आ। मीन्स तुहाडे कोल कोई भी क्लोडियल सोल्यूशन आ उहदे विच सोल्यूट लाइक कंपोनेंट आ। मीन जिद्दां जिवें साडा सोल्यूट हुंदा ना, उहदा सोल्यूट वर्गा कंपोनेंट आ किहदे विच जी? क्लोडियल सोल्यूशन दे विच, उहनूं की बोल दिंदे? डिस्पर्स्ड फेस। जां इदां आपां कह सकदे आ इह मैं सोल्यूट लिया वा, सोल्यूट दी लैसर क्वांटिटी हुंदी आ, और जिहड़ा इह वाला जिहड़ा सोल्यूट आ इहनूं अहीं डिस्पर्स्ड फेस भी बोल सकदे आ। उस तों बाद आ जाओ डिस्पर्स्ड मीडियम ते। जिहड़ा डिस्पर्स्ड मीडियम आ इह हुंदा जी? सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट हुंदा। एक बार मैं फिर रीड करदा, सैकंड टाइप आ डिस्पर्स्ड मीडियम, और इह हुंदा जी? सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, और इहनूं शॉर्ट दे विच डीएम भी लिख सकदे आ। सो वेखो जी इत्थे मैं की लिखा है? सॉल्वेंट लिखा है, सॉल्वेंट दी मैक्सिमम क्वांटिटी हुंदी आ, और सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों नूं मिलके की बनदा? सोल्यूशन बनदा। हुण वेखो जी आपां डेफिनेशन पढ़दे आ। इह डेफिनेशन की लिखा वा? द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट ऑफ क्लोडियल सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड मीडियम। वेखो जी जिहड़ा कोई भी साडा क्लोडियल सोल्यूशन आ उहदे विच सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट आ। मीन जिवें साडा सॉल्वेंट हुंदा वा उहदा सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट आ किहदे विच जी? क्लोडियल सोल्यूशन दे विच। क्लोडियल सोल्यूशन दे विच सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट आ उहनूं ही की बोल दिंदे आ? डिस्पर्स्ड मीडियम बोल दिंदे आ। सो वेखो जी इत्थे आपां चैक कर लैंदे आ हुण इहदे विच। वेखो जी पहलां मैं सोल्यूट दी गल कीती, हुण मैं सॉल्वेंट दी गल करूंगा। सॉल्वेंट दी मैक्सिमम क्वांटिटी हुंदी आ, जिहड़ा सॉल्वेंट आ इहनूं अहीं डिस्पर्स्ड मीडियम भी कह सकदे आ। इक वार मैं फिर रिपीट करदा जी, इत्थे जिहड़ा इह क्लोडियल सोल्यूशन आ उहदे विच कोई भी सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होवे, मीन साडे कोल कोई क्लोडियल सोल्यूशन आ उहदे विच कोई भी सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होवे, जिहड़ा उह सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट आ उहनूं ही की बोलदे आ? डिस्पर्स्ड मीडियम बोलदे आ। और जिहड़ा डिस्पर्स्ड मीडियम आ उह सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट हुंदा वा, शॉर्ट दे विच डीएम कह दिंदे आ। और इत्थे वेखो जिहड़ा मैं सॉल्वेंट लिया वा, इह वाला जिहड़ा सॉल्वेंट आ जिहदी मैक्सीमम क्वांटिटी लई ही, जिहदी अहीं मैक्सीमम क्वांटिटी टेक कीती आ, सो जिहड़ा इह सॉल्वेंट आ उहनूं मैं की बोल सकदा वा? डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोल सकदा वा, इह वाला डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोल सकदा वा। इह वाले सॉल्वेंट, इह वाले सोल्यूट नूं की बोलिया ही? डिस्पर्स्ड फेस बोलिया ही, पर जिहड़ा इह वाला सॉल्वेंट आ इहनूं डिस्पर्स्ड मीडियम बोलिया वा, और इहनां दोनों नूं मिलके की बनदा वा? सोल्यूशन बन जांदा वा। सो वेखो जी उस तों बाद इहदे च की लिखिया वा?
the dispersed phase and dispersed medium may be solid, liquid or gas. देखो जी जेड़ा है dispersed phase और dispersed medium है वो किसी भी phase से हो सकता है, वो solid phase से भी हो सकता है, liquid phase से भी हो सकते हैं, gas phase से भी हो सकते हैं. एक बार मैं फिर repeat करता हूँ, जेड़ा dispersed phase और dispersed medium है, जेड़े dispersed phase और dispersed medium है, ये दोनों देखो जी ये दोनों solid phase से भी हो सकते हैं, मीन solid भी हो सकते हैं, liquid phase से भी हो सकते हैं, मीन liquid भी हो सकते हैं और gaseous phase से भी हो सकते हैं, मीन gas भी हो सकते हैं. ये जो दोनों है इन्हों का कोई भी इन्हों की स्टेट हो सकती है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. अगे आप पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स आ गए हैं. सो टाइप्स ऑफ जो क्लाइंट्स है किनू मिलकर बनते हैं, ये टाइप्स है जी, ये डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्स मीडियम है, एग्जाम्पल है. सो वेखो जी इस तो पहला सब तो पहला आप एग्जाम्पल लेने हैं एरोसोल की. ये फर्स्ट क्लाइड की टाइप है, क्लाइड की फर्स्ट टाइप है एरोसोल. देखो जी एरोसोल जी एरोसोल है वास्ते डिस्पर्स फेस की लिया जी लिक्विड लिया कोई भी लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम कह लिया जी गैस ली है. देखो जी जो डिस्पर्स फेस है वह लैसर क्वांटिटी होंगी है सल्यूट वेव करता और जो डिस्पर्स मीडियम है वह सॉल्वेंट है और मैक्सिमम क्वांटिटी है, मीनस गैस की क्वांटिटी ज्यादा वा लिक्विड की क्वांटिटी घट है. और देखो जी गैस और लिक्विड में मिलकर की बन जाता वा साढ़े को फॉग बन जाती है. देखो जी सैलां दे धुंद पई हुंदी आ उहनूं फॉग बोलदे ने जां फिर मिस्ट बोलदे ने, जां फॉग बोलदे ने जां मिस्ट बोलदे ने. जिहदे विच बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हुंदे आ और नाल वाटर कॉन्टेंट हुंदे आ उहनूं मिल के ही बन जांदी फॉग बन जांदी है. सो देखो जी जिहड़ी फॉग है किद्दां बनदी है, फॉग दे विच साडे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हुंदे आ, एटमोसफेयरिक एयर हुंदी आ मीन गैस हुंदी आ और उहदे विच वाटर कॉन्टेंट भी हुंदे आ, कह सकदे आ लिक्विड दे पार्टिकल भी हुंदे आ, इस करके इहनां दोनों नूं मिलके ही बनदी फॉग और मिस्ट बन जांदी है. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ. ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਐਰੋਸੋਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਲਿਆ ਵਾ, ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਗੈਸ ਲਿਆ ਵਾ. ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਮੋਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਥਰਡ ਵਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਮ ਦੀ. ਫੋਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਗੈਸ ਔਰ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੈਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੋਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲਸ਼ਨ ਦੀ. ਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਔਰ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਮਲਸ਼ਨ. ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਵੀ ਮਲਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਲਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸ ਕਰੀਮ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਮਲਸ਼ਨ ਦੀਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਲ, SOL ਸੋਲ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਵੀ ਸੋਲਡ ਆ, ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ. ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਡ ਚਿੱਕੜ, ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
और ये चिकड़ की एग्जाम्पल भी ले सकते बड की एग्जाम्पल भी ले सकते उस तो बाद देखो जी नैक्सट टाइप आ रही है जी फिर फोम हूँ यह फोम कही है जी एक डिस्पर्स फेस गैस है डिस्पर्स मीडियम सॉल्ट है एग्जाम्पल की बन गई जी फोम ए फोम की एग्जाम्पल बन गई उस तो बाद देखो जी ये फोम कही होंगी है जी जी साढ़े घर सोफे वगैरह होंगे गद्दे वगैरह लगे होंगे मैट्रस वगैरह होंगे पिलो वगैरह की गल कर लो जी उन्होंने फोम यूज होंगी है ना जी इन्होंने दोनों मिलकर बनती है जो जो मेन पार्ट है या कह सकते हैं डिस्पर्स जो मीडियम है वह सॉल्ट होंगे वा और डिस्पर्स फेस जो गैस होंगे वा और मिलकर की बन जी फोम बन जाती है उस तो बाद देखो जी रबड़ की गल कर लो कोई भी रबड़ जी अभी एग्जाम्पल है स्पॉन्ज की गल कर लो तुम दस स्पॉन्ज स्पॉन्ज जी है साढ़े कहते यूज होंगी है जी साढ़े बहुत सारे घर जे सोफे वगैरह होंगे उन्होंने स्पंज यूज होंगी है उस तो बाद देखो जी प्यूमाइस प्यूमाइस की होंगे जी झावा वेख्या सारे ने साडे की होंगे जी कई बार अड्डिया उड्डिया तो मैल लाने वास्ते या साडे बहुत सारे पार्ट को क्लीन करने वास्ते अं झावा यूज करते हैं यह झावा होंगे जी देखो झावा होंगे वा हाँ झावा पहले चेक कर लो झावा होंगे वा जो अड्डिया उड्डिया कुचन वाला बोल देने ये वाला प्यूमाइस होंगे जी उस तो बाद देखो जी जैल जैल देखो जी डिस्पर्स फेस साडा लिक्विड है डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है ये देखो जी जैली जैली की होंगी है जी जी जैल वाली की टॉफिया खाते हैं जो पोलिया पोलिया टॉफिया खाते थे जैली की गल कर लो उस तो बाद जैली खाने वास्ते भी आती है और जैली क्रीम की भी एग्जाम्पल लै सकते जी उस तो बाद देखो चीज की एग्जाम्पल ली पनीर की एग्जाम्पल ली है बटर की एग्जाम्पल ली जरा घर घ्यो होंगे वा उस तो बाद देखो जी लास्ट वन है सॉल्ट सोल सोल्ट सोल देखो जी डिस्पर्स फेस भी सारा सॉल्ट है और डिस्पर्स मीडियम भी सारा सॉल्ट है मीनस डीपी और डीएम डीएम दोनों सॉल्ट है और ये वास्ते देखो जी ये एग्जाम्पल हैगी कलर्ड जैम स्टोन देखो जी मनी आती है अजकल साढ़े घर ना हथाने के नग पाते कई बार उन्होंने जोशी को सिद्ध करा के पाते हैं कि साढ़े को पैसा आए जड़े वाले कलर्ड जैम स्टोन होंगे ना जिन्होंने आप मनी कह सकते हैं कि जी मनी है मनी जी कलरफुल होंगी है और जी कलरफुल जैम स्टोन है जी कलरफुल मनी है वह सॉल्ट सोल की एग्जाम्पल है और उस तो बाद देखो जी मिल्की गिलास साढ़े भी जिमें जिमें दुध हों ना इदा के गिलास आते हैं तो वो कह सकते हैं जिमें सू जिमें सा मिल्क हों ना मिल्क और चिटे चिटे गिलास आते हैं अभी आपका फेस भी दे सकते हैं ताे घर गिलास लगे होते विंडोज के गिलास के फेस दे सकते जी और मिल्की गिलास जोड़ा वा वह भी यदि एग्जाम्पल है सॉल्ट सोल की उस तो बाद देखो जी नैक्सट टॉपिक है साढ़े को फिजिकल चेंज देखो जी फिजिकल चेंज की होंगे वा ये आप डेफिनेशन पढ़ लेने और डेफिनेशन पढ़ने वास्ते देखो जी जो फिजिकल चेंज है ये फिजिकल चेंज होंगे की है ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस आर चेंज बट नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज देखो जोड़ा फिजिकल चेंज है वो जो कोई भी सबस्टेंस है वो फिजिकल प्रॉपर्टी जी चेंज हो जाती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी मीन वह शेप एंड साइज चेंज हो जाता वह शेप एंड साइज जोड़ा वा वो चेंज हो जाता वा बट कोई नवा सबस्टेंस जोड़ा वा वो जनरेट नहीं होंगे नवा सबस्टेंस जोड़ा वा फॉर्म्ड नहीं होंगे एक बार मैं फिर रिपीट कर देना जी फिजिकल चेंज की होंगे वा साढ़े कोई भी सबस्टेंस है वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी है फिजिकल प्रॉपर्टी मीन वह शेप एंड साइज जोड़ा वा चेंज हो जाता वा बट कोई न्यू सबस्टेंस जोड़ा वा वो फॉर्म्ड नहीं होंगे या न्यू सबस्टेंस जनरेट नहीं होंगे और इन्हू बोल देते हैं फिजिकल चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज सो देखो जी एग्जाम्पल वेख लो मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर कोई एक आइस का पीस ले लो घरे बर्फ का टुकड़ा ले लो और थोड़ा गर्म करो जी आइस है वाटर कन्वर्ट हो जूगी अगर वो वाटर फिर फ्रिज च रख देंगे ठंडा कर देंगे जे वो फिर की बन जूगी आइस बन जूगी ए वाली जी एग्जाम्पल है जी ए वाली ताकि फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है उस तो बाद देखो जी सैकंड एग्जाम्पल है जी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कोई भी एक कच लैके ना जाके बल्ब का टुकड़ा लैके बल्ब न तोड़ दो जोड़ा बल्ब है वही करूंगा जी जो टुट गया वो सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और यह भी कहीं एग्जाम्पल है जी फिजिकल चेंज की उस तो बाद देखो जी प्रिपेयरिंग ए सोल्यूशन तुम करना जी तुम चाह बना तुम कहना मम्मा चाह मैं बनाऊंगी अज तुम जी चाह वा खुद बनानी है तुम कहना जी वाटर लैना वा वाटर शुगर ऐड करनी है शुगर तो बाद टी ऐड करनी है
मिल्क ऐड करना वा चाह बनानी है सारिया चीजा मिला के बना लिया एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया ये भी हैगी है जी एक फिजिकल चेंज है उस तो बाद देखो जी कैमिकल चेंज की आप गल कर लेंगे कैमिकल चेंज के हो गई है जी कैमिकल चेंज के देखो जी कैमिकल चेंज के अं की करते हैं जोड़ा कैमिकल चेंज है ये देखो जी कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबसटेंस आर चेंज एंड न्यू सबसटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड कैमिकल चेंज देखो जी जोड़ा कैमिकल चेंज है ये की है जी कोई भी साड़ा सबसटेंस है वह कैमिकल प्रॉपर्टी जी चेंज हो जाती है मीनस कैमिकल चेंज के साढ़े कोई भी सबसटेंस है वो कैमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है मीन कैमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और है जी वो न्यू सबसटेंस जो जो न्यू सबसटेंस है ये जो न्यू सबसटेंस है वह की होंगे जी फॉर्मड हो जाता वा न्यू सबसटेंस जो न्यू सबसटेंस है जनरेट हो जाता वा नवा सबसटेंस बन जाता वा कह सकते हैं न्यू सबसटेंस जनरेट हो जाता वा न्यू सबसटेंस फॉर्मड हो जाता वा और कैमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है कैमिकल प्रॉपर्टी मीन वे ओल्ड बोंड ब्रेक हो जाते हैं न्यू बोंड जनरेट हो जाते हैं ओल्ड बोंड ब्रेक हो जाते हैं न्यू बोंड जनरेट हो जाते हैं न्यू प्रॉपर्टी जनरेट हो जाए इस करके कैमिकल चेंज के कोई भी जो सबसटेंस है वो कैमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कैमिकल प्रॉपर्टी कितना चेंज होगी वो ओल्ड बोंड ब्रेक हो जाएंगे न्यू बोंड जनरेट हो जाएंगे और उस तो बाद जी न्यू सबसटेंस जो वा वह फॉर्मड हो जाएगा न्यू सबसटेंस जनरेट हो जाएगा नवा सबसटेंस बन जाएगा या फिर न्यू सबसटेंस फॉर्मड हो जाएगा और इन बोल देंगे कैमिकल चेंज एग्जाम्पल वेख लो जी रस्टिंग ऑफ आयरन तुम करना है कि मेटल पीस लेना वा घरे आपके कोई किल वगैरह लेना वा वह किल न करना जी पानी च डबो के बहर हवा के रख देना वा और वेखो जी एक अद्धे दिन बाद जंगाल लग जूगा और जो जंगाल लगता वह बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर क्रोजन ऑफ आयरन उस तो बाद देखो जी तुम एक पेपर लेना वा अपनी कॉपी का पेपर लैके उन्होंने माचिस माचिस के नाल की करना वा अग ला देनी है उन्होंने बर्न कर देना वा तो जो पेपर है वह जल जूगा जो पेपर जल जूगा वह भी की है जी कैमिकल चेंज की एग्जाम्पल है उस तो बाद देखो जी बर्निंग ऑफ वुड एंड फ्यूल ताडे घर कोई भी फ्यूल है कोई लकड़ा वा या ताडे घर कोई तेल है उन्होंने अग ला दोगे तो जी वुड है वह भी बर्न हो जूगी या अगर फ्यूल है कोई तेल है कैरोसीन आयल है या कोई आप डीजल पेट्रोल की गल कर लीए अगर उन्होंने बर्न कर देते वो जो फ्यूल है बर्न हो जूगा फूड ताकि बर्न हो जूगी और उस तो बाद की मिल जूगी जी ऐश मिल जूगी ऐश में सवाह मिल जूगी वो जी ऐश है ये कहतों बनी है जी वुड तो बनी है और कि बनी है कैमिकल चेंज के नाल बनी है कह सकते हो जी कैमिकल प्रॉपर्टी जी चेंज हो गई है और जी बर्निंग ऑफ वुड और बर्निंग ऑफ फ्यूल जोड़े है ये भी ताकि कैमिकल चेंज की एग्जाम्पल है और ये चीजा सारिया घरे करके वेख सकते थे कोई वुड न जला के वेख सकते थे कोई पेपर के पीस न जला के वेख सकते थे कोई किल न पानी च डबो के बहर रख के वेख सकते जी उसे जंगाल आ जाऊगा वो कह सकते हैं कि स्फीयर फॉर्मेशन हो जाएगी और यह सारिया एग्जाम्पल कैमिकल चेंज दी और मैं टॉपिक खत्म करता हूँ। थैंक यू।